हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कविता का आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लो, जो बेल आइकॉन को भी दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि ये एक एलईडी था जो मार्केट में एलईडी आता है, तो इसके अंदर से ये ट्यूबलाइट निकला, जो डिस्प्ले खोलने के बाद ये ट्यूबलाइट निकलता है, तो इसका ये बैकलाइटिंग प्रॉब्लम था। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, ये ट्यूबलाइट बैकलाइट छोड़ के, ये देखिए ये एलईडी जो आता है रूलिंग में, मैंने ये एलईडी ये साइड में और ये साइड में लगा दिया डायरेक्ट। 12 वोल्ट सप्लाई देखिए, ये देखिए 12 वोल्ट सप्लाई है, तो मैंने डायरेक्ट दे दिया। तो इसमें आप लोग बहुत आसान तरीके से इस टाइप का बना के आप लोग बहुत ही सुंदर से एलईडी को ऑन करा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यही है, इसको लिए मैं बनाया था, थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। जो ये लाइन दिखी जा रहा है साइड में, जो डिस्प्ले आप लोग फिटिंग हो जाएगा तो ये लाइट में इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा। जब एलईडी ऑन हो जाएगा तो इतना पिक्सर नहीं दिखेगा। तो मैं इसका पूरा फिटिंग करके भी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। तो अरे पेपर से बोल रहा हूँ, इसके अंदर में जो है ये लाइट है, मैंने ये लाइट लगवाया जो रूलिंग में आता है। तो ये लाइट लगा के आप लोग आसान तरीके से इसको ऑन करा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, मैं इस तरह का वीडियो और भी लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने के अच्छा लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करने से। ठीक है दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका जो मैंने आपका एलईडी का लाइट लगा के दिखाया था, अलग ट्यूबलाइट की जगह ये लाइट लग गया है। तो ये देखिए टीवी चल रहा है, तो उसी प्रकार आप लोग कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपका टीवी ऑन हो जाएगा। तो आपका आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।